चुनाव 2019 से ठीक पहले देश के अलग अलग हिस्सों में पड़े आयकर छापों के मामले में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह शक के घेरे में आए सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज करे। सीबीडीटी की रिपोर्ट में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के कई मंत्रियों समेत आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम दिए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 13 महीने की कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अप्रैल 2019 में भोपाल, मध्य प्रदेश और दिल्ली के 52 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा था, जिसमें 93 करोड़ के अवैध ट्रांजैक्शन और 4 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट सीबीडीटी ने दी थी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को कई मंत्रियों समेत आईएएस और आईपीएस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। पूरे मामले पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 13 महीने की कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े। जिस सरकार को सुशासन देने का काम करना था, उन्होंने चपरासी से लेकर मंत्रालय तक में भ्रष्टाचार किया। जनता के पैसों पर डाका डालकर नेहरू परिवार के ऐशोआराम पर खर्च किया जाता रहा। जो भी चुनाव आयोग के निर्देश होंगे उसका पालन किया जाएगा, और हम पहले से कहते आए हैं कि 13 महीने की कांग्रेस की सरकार में, कमलनाथ की सरकार में, इस देश में भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़े। ये मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा काला अध्याय नहीं हो सकता कि जो सरकार चलाकर सुव्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी लिए हुए थे, उन्हीं ने भ्रष्टाचार मचाया। कमलनाथ की सरकार के समय चपरासी से लेकर और वल्लभ भवन के अधिकारियों तक केवल और केवल भ्रष्टाचार होता था। मिलावटखोर, गुंडे, बदमाश, माफिया का राज मध्य प्रदेश में स्थापित हो गया था। और सबसे शर्म की बात है कि ये पूरा पैसा डाका डालकर, मध्य प्रदेश की आम जनता के जेब में डाका डालकर नेहरू परिवार के ऐशो आराम के लिए खर्च किया जाता था। चौधरी ने इस पूरे मामले में इनकम टैक्स, सीबीआई और आईबी को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स और सीबीआई केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करके सत्ता में बने रहने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के बड़े घोटाले, ई टेंडरिंग घोटाले को खोलने का काम इन 3 अधिकारियों ने किया था, जिन पर सरकार कार्रवाई करना चाहती है। देखिए, मुझे लगता है इस देश के अंदर जो बात कल कैलाश विजयवर्गीय जी ने कही है कि देश की सत्ता में बैठे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करके सत्ता को हटाने के लिए हर स्तर पे जाके काम कर रहे हैं, और उसके अंग के रूप में चाहे आईबी हो, सीबीआई हो, चाहे कहीं ना कहीं इनकम टैक्स हो, इस प्रकार से छापे मारे जाते हैं और उसमें उस तरह के प्रतिवेदन दिए जाते हैं जिससे उन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फायदा हो। और एक बड़ा घोटाला जो ई टेंडरिंग घोटाले को खोलने का काम इन 3 अधिकारियों ने किया था, और उसका एक प्रतिवेदन इसके अंदर जो डाला गया, मुझे लगता है एक बड़ी साजिश इस देश के अंदर हो रही है कि कैसे सत्ता में बैठ के लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करा जाए। और कहीं ना कहीं लोगों को इसकी बड़ी जांच होना चाहिए, विस्तृत जांच होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्योंकि 3,000 करोड़ का एक ई टेंडरिंग का घोटाला था, और दूसरे कई घोटाले भारतीय जनता पार्टी का। सीबीडीटी की जांच में मध्य प्रदेश के 4 अफसरों समेत 3 आईपीएस अधिकारियों के ऊपर दोषी पाया गया है। आरोपियों में जो है आ रहा है सामने, जिसको लेकर 4 अधिकारियों पर 2019 में लोकसभा चुनाव में पैसे के लेन देन के आरोप सिद्ध हो गए। चुनाव आयोग ने 4 दोषियों के खिलाफ, जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश प्रमुख सचिव और राज्य निर्वाचन अधिकारी हैं उन्हें दे दिया है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस जो है मामले सामने आ गई है। एक और जहाँ बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि इन अधिकारियों के सभी कमलनाथ सरकार के जो मंत्री थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, वहीं कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है कांग्रेस की ओर से भी वो पूरी तरीके से जारी है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपक श्रीवास्तव, मधुभाषी न्यूज़ भोपाल। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए मधुभाषी न्यूज़।